कोरोना वायरस के कारण देश की स्थिति गंभीर हो गई है। अब इस स्थिति से उबर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो जरूरी है हम खुद को संक्रमण से बचाए रखें, और ये तभी संभव है जब हम कोरोना से सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे तरीकों का पालन करें। इसमें सबसे अहम है मास्क, लेकिन इसे लगाने का तरीका अब बदलना होगा। नया तरीका है डबल मास्किंग, लेकिन क्यों? इसके पीछे तमाम तकनीकी पहलू हैं। डबल मास्किंग को लेकर रिसर्च हुई है अमेरिका में, और यकीन मानिए ये तरीका सबसे मजबूत कोरोना शील्ड की तरह काम करेगा। देखिए क्या है डबल मास्किंग। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में कोरोना ब्लास्ट जैसे हालात हो चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि आम लोग लापरवाही छोड़कर कोरोना से बचाव को प्राथमिकता दें और उन तरीकों को अपनाएं जिससे संक्रमण न हो। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए सबसे कारगर उपाय है मास्क। इसलिए कोरोना वायरस के शुरुआती दौर से ही हर देश की सरकार ने मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती। हिंदुस्तान में तो मास्क से जुड़े कानून भी लागू कर दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या सामान्य ही कोरोना से बचाव के लिए काफी है, या कोरोना मुक्त रहने के लिए कोई खास तरीका या मास्क का इस्तेमाल करना होगा। ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मास्क को लेकर एक नया खुलासा किया है। CDC के विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से बचाव के लिए सिंगल मास्क की अपेक्षा डबल मास्किंग एकमात्र कारगर उपाय है। जितनी अहम सामाजिक दूरी, मास्क लगाना उतना ही जरूरी। वायरस डेंजरस, नो फियर, डबल मास्किंग उपाय कारगर। डबल मास्किंग शब्द से आप इतना अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि बात एक साथ दो मास्क लगाने की हो रही है। आपका अंदाजा भी बिल्कुल सही है, लेकिन डबल मास्किंग की तकनीक की पहलू आपके अंदाजे से भी ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि इससे आप अपने आप को 90% तक कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए इसे जानते हैं। क्या है डबल मास्किंग? तकनीकी रूप से डबल मास्किंग के लिए दो तरह के मास्क के इस्तेमाल करना बेहतर माना गया है, जिनसे एक साथ मुंह और नाक को ढका जाता है। डबल मास्किंग में एक साथ दो मास्क इस्तेमाल होते हैं, इनमें एक सर्जिकल और एक साधारण मास्क होता है, यानी सर्जिकल मास्क के साथ हमें उस मास्क का भी इस्तेमाल करना होगा जो कपड़े से बना होता है। लेकिन सवाल ये है कि इसे पहनने का तरीका क्या है, और क्या दो मास्क एक ही तरह के नहीं हो सकते? संभव हो तो एक सर्जिकल मास्क जरूर इस्तेमाल करें। पहले सर्जिकल मास्क से अपना मुंह और नाक ढक लें। सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का दूसरा मास्क पहने। कपड़े के मास्क की छोर अंदर की तरफ मोड़ना होगा। सर्जिकल मास्क न हो तो कपड़े के दो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों मास्क इस तरह के हों जो ढीले ना हों और पहनने के बाद सांस लेने में दिक्कत ना हो। इसलिए जब भी आप डबल मास्किंग करें, उसके बाद कुछ देर टहल कर चेक करें कि सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। इसके अलावा एक सावधानी जरूर बरते, एक के ऊपर एक दो सर्जिकल मास्क न पहने और N95 मास्क के ऊपर दूसरा मास्क न लगाएं। ये इसलिए ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो और कोरोना से बचाव के साथ आप बेहतर तरीके से अपने दूसरे काम कर सकें। लेकिन अब सवाल ये है कि डबल मास्किंग कितनी कारगर है? इसका जवाब CDC की रिसर्च रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्जिकल मास्क पहनने पर 56.1% ड्रॉपलेट्स रुकते हैं। मास्क कसने और किनारे मोड़ने पर 77% बचाव होता है, जबकि डबल मास्क ड्रॉपलेट को रोकने में 85.4% कारगर होंगे। दावा है कि सही तरीके से डबल मास्किंग करने पर कोरोना के मामले में 96.4% तक की कमी आ सकती है, लेकिन दिक्कत है डबल मास्क का लगातार इस्तेमाल, जो हर समय मुमकिन भी नहीं है। इसलिए CDC की रिपोर्ट में इससे जुड़ी एक और जानकारी दी गई है, इसे आप भी देखिए। डबल मास्क कब पहने, कब ना पहने। डबल मास्किंग हर वक्त के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ खास वक्त और जगह के लिए ही दो मास्क लगाने की जरूरत बताई गई है। घर से बाहर निकलने पर डबल मास्क जरूरी है,
घर के अंदर सिंगल मास्क से काम चल सकता है। यात्रा या भीड़भाड़ में डबल मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग वाली जगह पर सिंगल मास्क काफी है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली एक बात ये भी है कि बच्चों को डबल मास्क ना पहनाए, बच्चों के लिए सिंगल मास्क का ही इस्तेमाल करें। लेकिन जरूरी है कि मास्क जरूरत से ढीला या टाइट ना हो। वहीं प्लास्टिक और लेदर का मास्क इस्तेमाल करने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।